गुरुवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि 24 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज जेल से बाहर आ सकते हैं। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्याचिका पर सुनवाई करेगी। अपनी याचिका में मनीष सिसोदिया ने अदालत से दिल्ली आबकारी मामलों में जमानत की मांग वाली पिछली याचिका पर फिर से विचार करने की मांग की है। कोर्ट ने मनीष की पिछली याचिका का निपटारा कर दिया था। बीती 4 जून को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन दिया था कि आबकारी नीति मामले में आरोप पत्र 3 जुलाई तक दाखिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी, उसके मुताबिक दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो के भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी। सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में सिसोदिया की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विवेक जैन, रजत भारद्वाज और नीतीश राणा ने तर्क दिया कि केंद्रीय एजेंसी अदालत को गुमराह कर रही है और उसने मार्च में गलत तरीके से कहा था कि जांच पूरी हो गई है। वहीं सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने कहा, 16 आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की आगे जांच की जा रही है। अब पूरा मामला भी जान लीजिए। सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप की जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच कई महीनों से चल रही थी। सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 26 फरवरी 2023 की शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने बयान जारी कर कहा कि दिल्ली की शराब नीति के अनुपालन में हुई गड़बड़ी की जांच के दौरान सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने अपने बयान में कहा था कि साल 2021-22 के लिए बनाई गई आबकारी नीति में गड़बड़ी के मामले में मनीष सिसोदिया और 14 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके मुताबिक इस मामले में मुंबई स्थित एक कंपनी के सीईओ समेत 6 लोगों के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी और इस मामले में अभी आगे की जांच चल रही है। सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया और 14 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 3 अफसर, 2 कंपनियां और 9 कारोबारी शामिल थे। इस कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हैं। वो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।